प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने रचना विभाग में अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संदेश लेखन और संवाद लेखन की पुनरावृत्ति की थी। आज इस वीडियो में हम व्याकरण विभाग में करवाए गए पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। विद्यार्थियों, शब्द और पद, अनुस्वार और अनुनासिक, उपसर्ग और प्रत्यय की पुनरावृत्ति आप पहले भी कर चुके हैं, अतः आज इस वीडियो में हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द और इसके साथ साथ विलोम शब्दों की पुनरावृत्ति करेंगे। आइए सबसे पहले श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो सुनने में तथा लिखने में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थों में क्या होती है, भिन्नता होती है, तो ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, जिस प्रकार घन और धन दोनों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता परंतु अर्थ में भिन्नता है। देखिए कैसे, घन, घन का अर्थ होता है बादल, धन, धन का अर्थ होता है संपत्ति, यानी कि कितना अंतर है। लिखने में भी हमें एक जैसे ही, लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके जो अर्थ हैं वे भिन्न हैं। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं, उनमें से कुछ प्रमुख शब्दों की सूची इस प्रकार है। शब्द और अर्थ, पहला शब्द आप देखेंगे उत्तर और उतर। उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा या फिर इसका अर्थ जवाब भी होता है। उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा और इसका अर्थ जो है उत्तर का जवाब भी होता है। और इसका ही दूसरा शब्द दिया है उतर। लिखने में आप देखेंगे दोनों शब्द एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन उतर का अर्थ क्या होता है, ऊंचे स्थान से नीचे आना। अगला शब्द जानेंगे पता, किसी का रहने का स्थान, पत्ता, पत्ता किसी पेड़ पौधे का पत्ता। परिमाण, मात्रा, नाप, तोल। परिणाम, नतीजा, फल। अचार, आम, नींबू आदि का अचार। आचार, आचरण या फिर चाल चलन। इनके अंतर को हम वाक्य प्रयोग के द्वारा भी जानेंगे। बाहर, यहाँ शब्द लिया गया है बाहर। बाहर का अर्थ क्या होता है, बाहर जो है भीतर का विलोम है, किसी निश्चित सीमा से दूर। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, मैं घर से बाहर निकला ही था कि बारिश होने लगी। मैं घर से बाहर निकला ही था कि बारिश होने लगी। और दूसरा है इसमें शब्द बाहर। अब देखिए आ की मात्रा ऊपर बाहर में भ को लगी है और यहाँ नीचे ह को लगी है, लेकिन उनका अंतर देखिए कितना है। बाहर, बाहर का अर्थ होता है रौनक। वाक्य देखेंगे, बसंत ऋतु में बागों में बाहर छा जाती है। अगला वाक्य देखेंगे, गृह, घर। वाक्य, हमें अपना गृह कार्य समय पर कर लेना चाहिए। दूसरा है ग्रह, ग्रह होते हैं नक्षत्र। हमारे सौरमंडल में अनेक ग्रह हैं। इसके बाद हम जानेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। एक जैसा अर्थ या भाव रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, अर्थात समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
समान अर्थ को एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला शब्द है समुद्र, इसके पर्यायवाची शब्द देखिए सागर, जलधि, रत्नाकर। फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। उपवन, उपवन के पर्यायवाची शब्द हैं बाग, बगीचा, उद्यान। पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, वारी। इसके बाद हम जानेंगे विलोम शब्द के बारे में। इसकी परिभाषा देखिए, शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं और उन्हीं अर्थों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में विलोम, विलोम हम किसे कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। इसके भी उदाहरण देखेंगे। सुलभ, इसका जो है विलोम शब्द है दुर्लभ। उपकार, अपकार, कर्कश, मधुर। आदर का विलोम शब्द है निरादर। सभ्य, असभ्य, हल्का, भारी। अनुकूल, प्रतिकूल। सुंदर, असुंदर। निश्चित, अनिश्चित। तो विद्यार्थियों, हमने क्या क्या जाना? सबसे पहले हमने सीखा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के बारे में, उसके बाद हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में, और तीसरा हमने विलोम शब्दों के बारे में सीखा। इसके पहले आप क्या क्या पढ़ चुके हैं व्याकरण में? शब्द और पद, अनुस्वार और अनुनासिक, उपसर्ग और प्रत्यय। अब इन सब पर आधारित हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और विद्यार्थियों ध्यान रखिए, आपको परीक्षा में इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं पूछे जा सकते हैं, इसके लिए ध्यान से देखिए। निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत चुनिए। आप जब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले आपको जो उसका हेडिंग है उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए वाक्य सही है या गलत है, उन्हें आपको चुनना है और निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमारा जो है प्रश्न है, वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो क्या है ये? कहते हैं शब्द? हाँ कहते हैं। तो ये सही है, तो हम सही के ऊपर निशान लगाएंगे। अगला, वाक्य के नियमों में बंधे रहने के कारण शब्द का प्रयोग कोश में किया जा सकता है। वाक्य के नियमों में बंधे रहने के कारण शब्द का प्रयोग कोश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द तो स्वतंत्र होता है। इसके लिए ये वाक्य क्या है? ये वाक्य गलत है, इसके लिए हम गलत पर ही निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं, तो ये क्या है? सही है, तो हम सही पर निशान लगाएंगे। अगला, शब्द भाषा की अर्थवान इकाई है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, विभिन्न ध्वनियों के मेल से पद बनता है। विभिन्न ध्वनियों के मेल से पद बनता है? नहीं, विभिन्न ध्वनियों के मेल से तो शब्द बनता है, इसके लिए क्या है? ये गलत है, तो हम कहाँ निशान लगाएंगे? सही का, गलत के ऊपर। वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द अपनी स्वतंत्रता खो देता है। वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द अपनी स्वतंत्रता खो देता है, क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है।
जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रश्न दो, खाली जगह में आने वाले सही विकल्प को चुनिए। खाली जगह में आने वाले सही विकल्प को चुनिए। ध्यान से देखेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक के ऊपर है ये प्रश्न। पहला है इसमें बाहर बहुत डैश छा गया है, अब खाली जगह में क्या आएगा। नीचे तीन आपको विकल्प दिए हैं, जो सही है उसको ही आपको जो है क्या करना है, वहाँ पर सही का निशान लगाना है। बाहर बहुत अंधेरा छा गया है, तीन विकल्प हैं इसमें, जो सही है वो है ये शब्द। अगला है, चिड़िया ने अपना घोंसला तैयार कर लिया है। तो इसमें तीन विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है घोंसला कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ आप सही का निशान लगाएंगे। लक्ष्मण को अक्षर खाली जगह दिख रहे थे। लक्ष्मण को अक्षर आगे खाली जगह दी गई है, दिख रहे थे। अब नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस की, अभ्यास की ज़रूरत है। तो पहला भी धुंधले है, दूसरा भी धुंधले है, तीसरा भी धुंधले है, अभी कौन सा सही है। इसमें तीसरा जो विकल्प है वो सही है। अगला है, कृष्ण की डैश से अश्रु धारा बहने लगी। तीन विकल्प दिए गए हैं, आँखों से, आँखों से, आँखों से, अब इसमें सही कौन सा है, दूसरा। सुनने में समान परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्दों को क्या कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था, सुनने में हमें एक समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ अलग होता है। तो सुनने में समान परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्दों को क्या कहते हैं, श्रुति सम कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं, या फिर पर्यायवाची कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब यहाँ पर भी खाली जगह में आने वाले सही विकल्प को चुनिए। आपको बहुत ध्यान से पहले तो प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद जो विकल्प है वो पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही इनके अंदर जो है अंतर आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको ध्यान से सोच समझकर करना है। पेड़ से खाली जगह गिर रहे हैं। पेड़ से क्या गिर रहे हैं, पेड़ से नीचे दिया है सही विकल्प, तीन विकल्प दिए हैं, पत्ते, पते और पता। तो यहाँ पर क्या आएगा, पत्ते। क्या आएगा बच्चों, पत्ते। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अगला है, पत्र में डैश लिखना अनिवार्य होता है। तो पहला विकल्प दिया है पत्ता, दूसरा भी पत्ता है और तीसरा पता है। तो हमें तीसरा विकल्प जो है सही है। हम मैं घर से खाली जगह निकला ही था कि बारिश होने लगी। मैं घर से खाली जगह निकला ही था कि बारिश होने लगी। नीचे तीन विकल्प हैं, बाहर, बाहर और बाहर। तो आपको जो है दूसरे विकल्प को चुनना है क्योंकि यही सही है, बाहर। बसंत ऋतु में बागों में खाली जगह छा जाती है। क्या छा जाती है, बहार छा जाती है। इसके लिए सोच समझकर आपको विकल्प को चुनना है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। आगे उपसर्ग और प्रत्यय हैं, वह शब्द चुनिए जिसमें प्रति उपसर्ग का उपयोग हुआ हो। आपको वह शब्द चुनना है जिसमें प्रति उपसर्ग का उपयोग हुआ हो। प्रति, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पहला जो विकल्प है वो है प्रकृति, दूसरा है प्रस्थान, तीसरा है प्रतिध्वनि। अब आप पहले दो देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से करना है। प्र लगा है, कृति के आगे प्र उपसर्ग है, स्थान के आगे भी प्र उपसर्ग है, और आपको चुनना वो शब्द है जिसके आगे क्या लगा हो, प्रति। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है, यहाँ लगा है प्रति उपसर्ग, तो बना क्या, प्रतिध्वनि। वह शब्द चुनिए जिसमें नी उपसर्ग का उपयोग हुआ हो। वह शब्द चुनिए जिसमें नी उपसर्ग का उपयोग हुआ हो। ध्यान से पढ़ेंगे,
पहला निडर दिया है, दूसरा डर और तीसरा विकल्प इसमें निडर है जो कि सही है। वह शब्द चुनिए जिसमें अधि उपसर्ग का उपयोग हुआ हो। अधि उपसर्ग का पहला है अत्यधिक, कैसे बना है, अति जमा अधिक से, अधिकार अधि जमा कार, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, अभिमान, मान के आगे अभी जो है उपसर्ग लगा है, तो इसमें तीसरा जो आपका विकल्प है वो सही है, अभी। सुहावना शब्द में आए प्रत्यय को चुनिए। सुहावना, अब ध्यान से शब्द को पढ़ेंगे, सुहावना, तो इसमें जो विकल्प है पहला है आवना, दूसरा है वना और तीसरा है ना, और जो सही आपका उत्तर है, जो सही विकल्प है वो कौन सा है, आवना। घबराहट शब्द में आए प्रत्यय को चुनिए। घबराहट, घबराहट, तो इसमें तीन विकल्प है, पहला है हट, दूसरा है आहट और तीसरा है त, सही विकल्प कौन सा है, दूसरे वाला आहट। कटवाई शब्द में आए प्रत्यय को चुनिए। कटवाई, तो इसमें कौन सा जो है, कटवाई शब्द में आए प्रत्यय को चुनिए, इसमें जो लगा है वो है वाई, यहाँ तीन विकल्प है वाई, आई और वाई, तो इसके अंदर आप देखेंगे ऊपर कटवाई में जो पीछे ई लगी है कौन सी है, उसी को देखकर आपको जो है सही प्रत्यय को चुनना है। अब है विलोम शब्द। ज्ञान शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। ऊपर आपको ज्ञान शब्द दिया गया है और नीचे तीन आपको विकल्प दिए गए हैं, इसका सही विलोम शब्द कौन सा है, ध्यान से पढ़ेंगे, पहले अज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान, तो क्या हो सकता है, अज्ञान। स्वतंत्र शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। स्वतंत्र, मुक्त, प्रतंत्र, आजाद, तो इसमें भी दूसरा विकल्प सही है, प्रतंत्र। अब पर्यायवाची, समुद्र शब्द के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों के सही विकल्पों को चुनिए। इसे भी बहुत ध्यान से सोच समझकर करेंगे, आपको हर विकल्प में आपको दो दो पर्यायवाची दिए गए हैं, दोनों पर्यायवाची सही होने चाहिए वो आपको देखना है, ठीक है, किसी में एक सही है, किसी में दोनों सही हैं, तो आपको वो वाला विकल्प चुनना है जिसके अंदर दोनों ही सही हों। तो पहला दिया है सागर जलधि, दूसरा है रत्नागर सरिता, अब आपको पता होना चाहिए सरिता नदी होती है, तीसरा है सरोवर और सागर, तो यहाँ सागर सही है, सरोवर गलत है, पहले में यानी कि पहले में दोनों ही सही हैं, सागर और जलधि, तो हम पहले वाले विकल्प को सही का, पहले वाले विकल्प में सही का निशान लगाएंगे, सागर जलधि, इसलिए आपको भी पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो विकल्प दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और दोनों ही सही होने चाहिए, ठीक है, यहाँ सागर भी सही है और जलधि भी सही है, लेकिन निशान आपको एक ही जगह लगाना है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए दोनों जगह निशान लगाए कि दोनों भी सही हैं, ठीक है। विद्यार्थी शब्द के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों के सही विकल्पों को चुनिए। अब इसमें भी आपको ध्यान से देखना है, पहला है जिज्ञासु बालक, ठीक है, दूसरा इसमें विकल्प दिया है आपको छात्र और शिक्षार्थी, तीसरा दिया है विद्या और छात्र। अब ध्यान से सोचिए समझिए, पहले में बालक नहीं आना चाहिए था, है ना, दूसरे में छात्र भी सही है, छात्र स्कूल में क्या करने आते हैं, विद्या ग्रहण करने आते हैं, शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने वाला भी विद्यार्थी होता है,
ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो आपका विकल्प है वो सही है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने व्याकरण में जो भी सीखा, चाहे वो अनुस्वार हो, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हो, विलोम शब्द हो, आपको सभी जो भी चीज़ें थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जिस तरीके से मैंने आपको प्रश्न अभ्यास करवाया है, आप उसी तरीके से घर पर प्रश्न अभ्यास करते रहिएगा। बार बार पढ़िए, उनको लिख लिख के आप प्रैक्टिस करिए। मात्राओं की जो गलतियाँ होती हैं उन्हें ना करिए, उसका ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद।